बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हमारी 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमेशा आप यहां देखने की कोशिश करो कि क्या चीज इसमें गिवन है और क्या हमें यहां पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग, हमें यहां पे कुछ इनको शो करना है। अब क्या शो करना है, उससे पहले गिवन क्या क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर में दो चीजें होती है, एक रेडियस होती है और एक आपकी यहाँ पे क्या होती है, हाइट होती है। ऑफ गिवन सरफेस, और उसका हमें सरफेस क्या है, गिवन है। तो सरफेस का मतलब होता है क्या है, सरफेस से हम क्या करते हैं, सरफेस से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। जब भी आपको किसी जैसे ये हमारा कॉर्डलेस है, इसके ऊपर पेंट करना है या कुछ भी करना है, तो हम उसकी क्या बात करते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन, तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होता है, अब सरफेस एरिया की बात हो रही है मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाले दोनों सर्कल का एरिया कितना होता है, 2πr² और ये सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना होता है, तो ये 2πrh। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। अब दो चीज हमें यहां पे शो करनी है कि एक तो इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहां तक जाता है कि इसकी हाइट जो है वो इसकी डायमीटर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसकी हाइट इसके डायमीटर यानी रेडियस का डबल, ये इक्वल हो जाए। तो एक चीज तो हमें यहां पे ये शो करनी है और दूसरा इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हमें यहां पे दिखाना है कि h इक्वल टू अगर 2 आ रहे तो इसका वॉल्यूम क्या है, यहां पर मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, तो वॉल्यूम हमारे सिलेंडर का हो जाता है πr² h हो जाता है। तो यहां पे देखो ना, x है ना y है, तो हम इस क्वेश्चन को एक्स वाई में ही रखते, तभी आपको पता चलता है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, किसके में नहीं करना है। अगर मैं आर एच लिख दूंगी तो आप कंफ्यूज जाओगे कि क्या यहां पर हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे R को X ले लेती हूँ, हम अपने क्वेश्चन को एक्स वाई की फॉर्म में रखते हैं और H को मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, Y ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि x जो है वो रेडियस है, y इसकी हाइट है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, v वॉल्यूम है, s आपका सरफेस एरिया है। चलो अब गिवन, हमें सरफेस एरिया गिवन है, r की जगह हम x लिखेंगे, h की जगह हम y लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 2πx² प्लस ये आपका कितना हो गया, 2πry हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं। अब मैं थोड़ी सी यहाँ स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में बताती हूँ स्पेस मैंने क्यों छोड़ी है ना, मुझे यहाँ से कोई वैल्यू निकाल करके रखनी है इसलिए। तो इसको हम यहाँ पे एस के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको हम किसके इक्वल लिख रहे हैं यहाँ पे, वी के इक्वल। तो वी इक्वल टू यही πr² एच है, तो आर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, πx² एच की जगह वाई लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, जब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन या तो एक्स की फॉर्म में होती है या फिर आपकी वाई किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में होती है। तो यहाँ दोनों की है, एक्स भी है वाई भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, dy/dx आ जाएगा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना। तो हम ये जो हमें गिवन है ना, इसका यही यूज है कि भाई यहां से आप वाई की वैल्यू निकाल करके यहां रख दो और इस इक्वेशन को पूरा का पूरा एक्स में चेंज कर दो, ताकि जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके लिए ये बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नहीं तो वरना तो dv/dx भी आ जाएगा, dy/dx भी आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू फिर आपको यहां पे डिफरेंशिएट करके लानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम पहले ही काम कर लें, यहां से y की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। तो देखो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो s इक्वल टू क्या है आपका, ये s मैंने इधर लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन लिखने की जरूरत है, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम y को छोड़ के बाकी सब इधर भेज देते। तो ये 2πx² इधर आ जाएगा हमारा, तो ये s माइनस क्या हो जाएगा, 2πx² हो जाएगा। और इधर आपका कितना बचा, इस तरफ लिख लेते 2πry बचा है ना, 2πx² इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू कितना हो गया, s माइनस 2πx² अपॉन आपका कितना हो गया, 2πr हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई 2πx, सॉरी ये मैंने R लिख दिया, यहाँ पे X लिखेंगे। ठीक है, ये X हो गया, तो ये आपकी यहां से क्या आ गई, Y की वैल्यू हो गई। अब इस Y की वैल्यू को आप यहां इसमें पुट कर दो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू πx² Y कितना है, S माइनस 2πx² अपॉन 2πx हो गया। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, πx², तो यहां पर एज इट इज है,
यहाँ पे, अच्छा यहाँ देखो ना, यहाँ पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो रहा है, एक्स से आपका ये एक्स कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली यहाँ पे आपका कितना बच रहा है, 1/2 बच गया, और ये आपका हो गया एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर हो गया। चाहे तो 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद क्या करना है, हमें शो करना है कि वॉल्यूम जो है वो आपका मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करने के लिए वही, आप चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से शो करो, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से शो करो, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे पहले वी डैश फाइंड कर लें। तो वी डैश यानी एक बार हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखो, हाफ तो हाफ का हाफ यहाँ पे बाहर रह जाएगा, ठीक है। और फिर आगे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक एक्स और बच गया ना, तो ये एक्स जब बच गया ना, इसको अंदर ले आती है, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। एक एक्स बच गया था ना जब हमने काटा था, तो ये एस एक्स माइनस 2 पाई एक्स क्यूब हो गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो हाफ एस इट इज रह गया, एस आप यहाँ लिख दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, फिर माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर होता है, तो 3 बाहर आके ये क्या हो गया, 6 पाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो पुट वी डैश इक्वल टू 0। तो ये आपने यहां पे रखा 1/2 एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो 1/2 तो 0 में चला गया, यहां से हम क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 0 में चला गया, तो दिस इंप्लाइज बचा क्या, एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर बचा, तो 6 एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सभी इधर लिख के चले जाओ, तो इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है इसको इधर ले आते, तो एस इक्वल टू 6 पाई एक्स स्क्वायर। तो हम देखो हमारे पास एस की वैल्यू है ना, तो मैं ये यहाँ पे पुट कर लेती ताकि एक्स मेरा सीधा का सीधा इक्वेशन इन्हीं में आ जाएगा, एस हमारा उसमें रहेगा ही नहीं ना, तो और काम इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एस की वैल्यू रख लेती हूँ, 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स वाई इक्वल टू 6 पाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसको भी हम उधर ले जाते, क्योंकि देखो ये और ये टर्म एक जैसी है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई, क्योंकि हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा, तो माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि 6 बड़ा तो उसका साइन आएगा। अब देख लो इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ है यहाँ भी है, तो 2 पाई एक्स यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले दें, 2 पाई एक्स कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव इसको पहले लिख लेते, तो ये y हो गया, ये माइनस, एक 2 यहाँ से बचा और एक x बचा, तो इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट करो, तो वेन 2 पाई एक्स इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज यहां से x इक्वल टू 0 है, और जब y माइनस 2x इक्वल टू 0 है, तो दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू आपका 2x है, और x कितना हो जाएगा, y बाय 2 इक्वल टू आपका x हो जाएगा। तो यहां से हमारी दो वैल्यू आ रही है, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू y बाय 2। तो ये y इक्वल टू 2x है ना, एक्चुअल में हमें यही शो करना था, इसने यही तो कहा था, शो दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, तो हाइट कौन है, y, और डायमीटर कितना है, 2x, तो ये देखो y इक्वल टू 2x यही हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये नहीं भी लिखो तो y इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो वही पॉइंट आपका आ गया ना कि आपका वॉल्यूम, अब बस हमें यहाँ पे क्या शो करना है, y इक्वल टू 2x तो आ गया, अब हमें शो करना है कि इसी पॉइंट पे, इस x इक्वल टू y बाय 2 पे इसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, हमें ये शो करना है। तो आप देखो x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल है, x इक्वल टू 0 मतलब रेडियस आपका 0 हो जाएगा, तो सिलेंडर बनेगा क्या, सिलेंडर बनने के लिए रेडियस कुछ न कुछ, हाइट कुछ न कुछ होनी चाहिए, तो सीधा यहाँ पे लिख दोगे नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी है, y बाय 2 है। अब हमें शो करना है कि x इक्वल टू y बाय 2 पे जो आपका वॉल्यूम है वो आपका मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमने जो v डैश निकाला था, तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, तो हम इसको डबल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आप क्या ही वैल्यू रखोगे कि हम लेफ्ट राइट चेक करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करो, तो नाउ v डबल डैश x लिखो या v डबल डैश भी इनफ है, तो करो यहाँ पे, तो हाफ तो ठीक है, एस का क्या हो जाएगा, एस आपका आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सरफेस एरिया में तो एक्स भी है वाई भी है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे 0 आ रहा है, तो जब आप इसमें रेडियस रखोगे, इसके अंदर आप यहाँ पे हाइट रखोगे, इसको इक्वेट करोगे, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू तो आएगी, सरफेस एरिया का यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, मान लो कि इसका आएगा यहाँ पे 25 ये एरिया नहीं सॉरी हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब इस तरह का कोई वॉल्यूम आ रहा, तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे होता है 2x हो जाएगा, तो 2 इसे मल्टीप्लाई होकर माइनस का 12 पाई एक्स आ जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये हाफ हो गया और ये माइनस हाफ तो आगे है ही ना, ये आ गया और इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 6 2 12 पाई एक्स हो जाएगा,
तो माइनस का 12 पाई आपका एक्स हो गया, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो यानी कि कितना आया माइनस का 6 पाई एक्स है। तो डिफरेंशिएशन करने से हमें यहाँ पे पता चल गया, देखो पाई कभी नेगेटिव नहीं होता है, पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर में एक्स क्या है रेडियस है, रेडियस भी कभी किसी की नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव होती है, तो इस नेगेटिव की वजह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं हियर माइनस सिक्स पाई एक्स जो है वो क्या है लेस देन जीरो है। अभी आपको पता है कि जब डबल डिफरेंशिएशन में लेस देन जीरो आती है तो हमें क्या पॉइंट मिलता है, हमें पॉइंट ऑफ क्या मिलता है मैक्सिमम मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि y इक्वल टू 2x कहो या x इक्वल टू y बाय 2 पे हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या है मैक्सिमम है। तो हमने लिख दिया कि एट x इक्वल टू y बाय 2 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, और सिंस एक्स इक्वल टू वाई बाय टू, क्योंकि हमें ये भी शो करके दिखाना कि था कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि ये आपका हाइट है और एक्स यहाँ पे आपका क्या रेडियस है, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।